क्यूट क्यूट घर है यहाँ पर। आंसू मम्मी जी नमस्ते, खुशी लगे जैसे कि हम अपने ट्रेडिशन में करते हैं। है लेकिन जल्दी जल्दी शादी किया इंतजार में। गुड मॉर्निंग गाइस, टंसी डिले से वारे फुल नमस्ते, दिस इज योर दर्शन तमांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन ब्लॉग्स। तो गाइस आफ्टर मतलब दीदी की शादी के बाद मैं सूट पहन रहा हूँ काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसे सूट नहीं पहनता हूँ। और आज हम जा रहे हैं शादी में, और दर्शन का शादी है तो बाद में पता चलेगा कि किसका शादी है। तो शादी तो है दर्शन का लेकिन हमारा नहीं, पहले ही बोल देता हूँ। और गाइस हमारे आज डैडी जी है, देखो पूरे गेटअप में बंदना ले, देखो टुवे लाएर है गिफ्ट, देखो आज ओपनिंग 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 वही खै चश्मा चाहिँ चश्मा त बिर्सि हाल आउनु डैडी जी के पास चश्मा है। यहाँ पर अश्विनी मम्मी जी गुड मॉर्निंग, देखो दोनों यहाँ पर पूरा मैचिंग, आज मैचिंग मैचिंग चिन्दैन है हाम्रो जोशी आन्टी, नमस्ते सबैजनालाई, फुपु बुढियामा आमुई सूट में मारेबुंग है मारेबुंग। और गाइज आज हम जा रहे हैं मारेबुंग, तो मारेबुंग में हमारे रिलेटिव्स के शादी है, हमारे कज़न ब्रदर है तो उनका शादी है, तो उनका नाम भी दर्शन है, तो हम जा रहे हैं दर्शन के शादी में, ठीक है। और गाइज ये है मेन रोड, जैसे कि मैं हमेशा जाता हूँ ये इस तरफ जाते हैं दार्जिलिंग की ओर, और यहाँ पर एक वो है हम बोलते हैं चेक पोस्ट, और इसके राइट साइड में अगर हम जाएंगे ये जाते हैं बिजनबारी मारेबुंग साइड, ठीक है। तो अभी हमें जाना है मारेबुंग, तो चलो अभी चलते हैं। फाइनली वी हैव रिस्ट मारेबुंग, और शादी वाला घर कहाँ पर है, बिशन मामा को घर में है ना, हमारे मामा जी के घर में है। तो आज मारेबुंग बहुत दिन के बाद, मैं तो बचपन में आया था यहाँ पर, पता नहीं मुझे तो कुछ भी पता नहीं यहाँ पर घर किधर है कौन कौन रहता है। फर्स्ट टाइम आंसु का तो फर्स्ट टाइम है, हम आंसू को नहीं आउनु जू लो लेट्स गो जू बाबा। और गाइस देखो यहाँ से व्यू, ओह माय गॉड, और पहाड़, और यहाँ से तो काफ़ी अमेजिंग दिखता है। और गाइस मैं ड्रोन भी लेके आया हूँ, तो बाद में आप लोगों को ड्रोन शॉट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और गाइस लुक एट द व्यू, ओह माय गॉड, और वहाँ से कंचनजंगा का व्यू भी दिखता है, बाद में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो अभी मामा के घर में जाते हैं, और हमने हमारे रिलेटिव से मिलते हैं अभी। हाँ हजुर, बिशन मामा को घर में गो, बिशन मामा को घर। चलो गाइस मारे पुंग पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, सेम एग्जैक्टली देखो, और घर घर सबका एकदम क्यूट क्यूट घर है यहाँ पर, वो टाइप देखो वाह कस्तो दामी दामी घर रहेछ है, वुडन जन्ती जस्तै छ त अन्त हामी कन्फ्युज हुन्छ नि, आसु हिल पल्टी लाने फेरि आसु ल यो घर सुषमा घर हमारे मामा जी का घर यही पर है, ये कसको ए छेमा को ए छेमा का घर है, आंटी का हमारे आंटी जी का घर है, यहाँ बड़ा कस्तो दामी रहेछ है, वाओ लुक एट दिस गाइस काफी अच्छा है देखो, वाओ। तो चलो अभी आंटी के घर में जाते हैं, पहले पानी वानी पियेंगे हजुर हाम्रो छेमालु ढोकरे खै म खिचिदिइराख्छु सानो बढी भए पनि यिनीहरूलाई पुऱ्याइराखेर अँ अहिले आउँछु ल
हजुर अलिकति खिचिरहेको और देखो गाइस अभी यहाँ पर दुल्हा दुल्हन अभी रेडी होके चला गया है तो तभी हम है हमारे सुषमा छेमा के घर में और सी इज मेरे मम्मी के कजन और आज मतलब यहाँ पर हमारे मम्मी सब लोग गेट टुगेदर हो रहे हैं के भन्ने छेमा भन्नु न के भन्नु नमस्ते सबैलाई सायराम सबै आइदेकोमा दर्शन ब्लग्स हेर्दिनु हाम्रो भाइको च्यानल ओके आमा चिया स्टार्टिङ विथ ब्ल्याक टी आमा है चिया यो कप छ त अन्त तपाईलाई पुगेन हैन यो रन्तिसले खाए दामी रहेछ चाय यहाँ पर एक्चुअली ना हमारा बहुत सारे रिलेटिव्स है और अभी हम जा रहे हैं एक्चुअल वेडिंग जहाँ पर हो रहे हैं ना वहाँ पर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पलटन है यहाँ पर और लुक एट दिस ब्यूटीफुल भाग गए घर भी पस लोगों को पता है ना यहाँ पर मारेबुंग में मैंने पिछले बार भी बोला था कि हमारे नानी माँ के मतलब चार बहन और दो भाई है और चार बहन में से एक बहन मारेबुंग में है मैंने बोला था और जैसे कि ठुलिया माँ सबसे बड़ी है हमारे नानी माँ के बहनों में से सबसे छोटी प्यारी सी नानी माँ यहाँ पर है मारेबुंग में और ठुलिया माँ नानी माँ यहाँ मारेबुंग का आम मतलब सब एक ही सिबलिंग्स है और आप देख सकते हैं मतलब चेहरा भी मतलब एग्जैक्टली सेम है कस्तो लाग्यो आमै भिडियो हेर्नुहुन्छ भिडियो हेर्नुहुन्छ हेर्छ हेर्छ अ हेर्छ है राम्रो लाग्छ अ राम्रो कस्तो लाग्यो हामी आएर बे खुसी लाग्यो नि हौ आउँछ जस्तो लागेको थियो मलाई अ अ यहाँ भित्र पनि खिची राख्दियो हो सबैतिर यताहरू पारीतिर हेरौँ खिचेर कति मजाको छ जग्गा लुक एट दिस गाइस मारेबुङ इज रियली ब्यूटीफुल जुम बिहामा है जुम और आज जिसका शादी है मतलब हमारे नानी माँ के पोते मतलब हमारे कजन ब्रो और उनका नाम भी कोइन्सिडेंसली दर्शन है तो दर्शन के शादी में दर्शन ब्लॉग्स हजुर और यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है और गाइस मैंने बोला ना यहाँ पर बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स है चलो अभी हाँ फैमिली अभी यहाँ पर है हमारे दूल्हे राजा के डैड और यहाँ पर हमारे मामी जी और हमारे लगे मामा और माइजू और ये हमारे नानी माँ ठीक है तो जैसे कि हम अपने ट्रेडिशन में करते हैं कंग्रेचुलेशन है खुसी खुसी रहनु सधैँभरि
दर्शन कंग्रेचुलेसन थैंक यू ल अहिले भेट्छु ल जति सोक उति रोग है अनुवर्ष और गाइज अभी देखो हमारे में उनको छोटे छोटे दुकान कितना क्यूट क्यूट लग रहा है ना देखो वाओ बचपन में आया था और मुझे कुछ भी याद नहीं है मतलब हमारे यहाँ पर रिलेटिव्स कौन है क्या क्या है लेकिन अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि हमारे बहुत सारे यहाँ पर फैमिली भी रहते हैं मतलब उनका भी कोइंसिडेंसली नाम दर्शन ही है तो मेरा भी नाम दर्शन है तो हम एज अ सिबलिंग्स तो नहीं कजन्स तो उनका शादी है हम मतलब ठूलो किसान हो हमसे मतलब एज में छोटा है लेकिन जल्दी जल्दी शादी किया ये वाला दर्शन का तो शादी हो गया पता नहीं ये वाला दर्शन का शादी कब होगा इंतजार में है हमसे छोटा है हम इंतजार में है हमसे छोटा है इंतजार में है मामी डैड इंतजार में है दर्शन शादी के और को मत खाको खाको है पेट पूरा भइसक्यो के अब त्यसको कहिले खानु भन्ने सबर का फल मीठा होता है डैडी जी छोटा वाला दर्शन को तो शादी हो गया रे सबर का फल मीठा होता है ठीक है बात को समझो सबर का फल मीठा होता है ना होना चाहिए ना एक ही नहीं अश्विनी क्या बोलते हो जल्दीबाजी नहीं करना है जल्दबाजी हाँ नेपाली हो अलि यस्तै हुन्छ हिन्दी के अरे समयको फल मिठो होला ए खादैन अरे ओ ढोलु बोलु जुन खाना खाने ढोलु बोलु है मै आमाले न ढोलु बोल्नु भन्नु ढोलु बोलु भाइ बहिनी एउटा रोटी हाल्नु अलिकति ग्रेभी हालिदिनु ल भाइ भाइ लन्च टाइम यहाँ पर बहुत सारे खाने डाडीजी कैसा लग रहा है भूख लग रहा है शादी में और बहुत दिन के बाद मतलब वेडिंग अटेंड कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब घर में बैठे बैठे बोरिंग हो रहा था ना और मतलब कभी कभार वेडिंग में आने का घूमने का मज़ा ही कुछ और है और अश्विनी तो देखो बिना देखे ऊपर नीचे बिना देखे खा रहे जा रहे हो कई आंटी और बाकी का टीम इधर है और बाकी यहाँ रहे आंटी और बाकी उधर है ठुलियामा सब कुछ और स्पेशल सेलरोटी है चिकन है कैमरामैन पनि छ यहाँ देखो अभी सब लोग यहाँ पर एक्चुअली फोटो शूट करने के लिए आए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा टी गार्डन है और ये मारेबुंग एक टी गार्डन है और आंटी जी हम सब लोग देखो वहाँ पर लो डैडी जी एक शूट हो जाए सेल्फी हान रहा है वो डैडी जी सेल्फी ले रहे हैं वहाँ पर ना हाल दिन तो ब्लॉग में है बच्चे लोग ड्रोन देखने के लिए आए
Oh God! Look at this. Actually. You money go from which area? Lizal. यहाँ पर बहुत सारे विलेज है, लीजाल, पायबुंग, ये मारेबुंग है, ये है तामसांग। को आको पहला तबाई डैडी जी बोल रहे हैं कि बहुत पहले यहाँ पर डैडी जी हमारे बहुत पहले एक लैंड रोवर था ना, तो लैंड रोवर लेके ये वाले रास्ते में आया था, वहाँ पर गाड़ी बिगड़ गया, गाड़ी खराब हो गया था, तो एक मेमोरी है डैड का पहला को कहानी। Oh, look at this view, guys. Oh, my God. Lingya district. Yeah. So, my name is Lingya. Full out of time, sir. Jo. ये यहाँ पर पूरा दार्जिलिंग का व्यू देखते हैं, यहाँ से देखिए ये पूरा दार्जिलिंग है। हाँ बहुत छेमाले धेरे धेरे धंधे बात करी। Next time मिलेंगे है। Bye bye. हाँ आऊँ चला आऊँ नूला पार्सी। बड़ी अम्मा और छोटी अम्मा का एक फोटो हो जाए दोनों का। एक ने बाइक चला रहा है वरना नानी वहाँ बाइक चला रहा है। तुम कोई सेल्फी सेल्फी लो बाय बाय बेला मैं मारे मुंग जाके हम लोग घर वापस आ गए और शादी बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था दर्शन भाई का शादी। ठीक है और सब लोग अभी घर में है और काफ़ी मज़ा आया, हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया है ना। आंटी शादी कैसा लगा? शादी तो बहुत अच्छा। अश्विनी दर्शन का शादी अच्छा लगा। दर्शन का शादी हमारा शादी नहीं था, दर्शन का शादी था, दर्शन भाई का। बर्फी मम्मी को शादी कैसा लगा? शादी अच्छा लगा, आने से दुकान खोलना पड़ेगा। आज दुकान पूरा बंद था इसलिए आने के देखो, इसलिए हम जल्दी जल्दी करके आ गए। गाइस हमारे बर्फी भाई आज अकेले थे और इसको खाना आज किसने दिया? हमारे मेगा बहनी ने दिया खाना। नडी जी शादी कैसा था आज का? बढ़िया। हमारे बूंग कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा। बाबा आज हीरो हो रहा है, हीरो जैसा लग रहा है, उतारने चाहिए कांटी जगह वाली। ओ, हम लोग तो शादी में जाके आ गए, सिर्फ मेगा ही देखो घर में बर्फी को खाना दिया कि नहीं दिया। स्पेशल बर्फी का असिस्टेंट रख के गया था ना मैं। चाय पनीर दूध जल्दी जल्दी चाय बनाओ, हम लोग थके आए। हमें ब्लैक टी चाहिए। ठीक है आपका जो शादी में नहीं खाया ब्लैक टी है, शादी में नहीं खाया, दर्शन का शादी था, शादी में ब्लैंक तो नहीं करते हो, शादी कैसे करोगे? करूंगा दूसरे वैलेंटाइन में। ये तो मशीन साफ है ना मेरा, इसको तो ये मेरा तो सब लोग अब ब्लैक टी खाएगा। कौन सा चोड़ा मतलब ये थोड़ी है वाला पहला जम इन दी दी लाओ भाई नो दे तो मिलो हेलमेट लो। शादी खा के आए अब ब्लैक टी खाओ। अच्छा ना बाबा बाय बाय फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे चलते चलते। बर्फी सिट 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 गुड गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे दर्शन ब्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय डैडी जी, मम्मी जी, मेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मामा जी बाय बाय भन्नु न लास्ट मा चाहिँ। खै आसु त छैन त आसु ल ओ आसु सबसे स्पीड कपडे वपडे चेन्ज करके रेडी हो गया। मैं मुंह लगा के चूँगी।